बैठ के उठ के दिखा बेटा। हाँ चलो आप उठ के दिखाओ, कैसे उठो, कैसे उठेगा। ओके, इसके पहले ये हैंड लगाता था घुटनों में और ये सपोर्ट लेता था, अब ये डायरेक्ट उठ गया है। वाह यार बेटा बढ़िया, मतलब इतनी ताकत तो आई है कि मतलब अपन कह सकते हैं कि इसकी मसल्स है मेंटेन हो रही है और न्यूरोपैरास्पेटिक सिस्टम इसका एक्टिव है अभी, ठीक है। और जिस हिसाब से अभी अपन चल रहे हैं सीपीके भी अपना मतलब ठीक है, उसका भी अपना प्रोसेस चल ही रहा है, तो अभी तो अपना डोज बिल्कुल सेम रहेगा। एक महीने के हिसाब से अपन बिल्कुल अभी स्पीड कम नहीं करेंगे क्योंकि ये बीमारी में स्पीड कम करना भी नहीं है, अच्छा, लगातार एक्शन लेना, दवाई सेम रहेगी, मतलब इसमें अगला ग्रेड ऐड हो जाएगा पर डोज कम नहीं होगा। अभी इस बीमारी में कैसा होता है कि लगातार एक्शन लेना है, लगातार अपने को एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना है। बीमारी ऑटोइम्यून है, ऑटोइम्यून का मतलब है अपनी बॉडी के खिलाफ जाना या रेगुलेट नहीं होना इम्यूनिटी का, तो अपने को इम्यूनिटी को रेगुलेट करना है और बीमारी के ऊपर एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना है। बीमारी हम पर अटैक करे इससे अच्छा हम इस पर अटैक करेंगे, तो सबसे अच्छी बात है ये मॉडर्न होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है, इसमें जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो पूरी दुनिया भी इसमें फेल हो रही है, ये काफी सारे बच्चे या काफी सारे लोगों की रिपोर्ट्स हैं ये मेरे चैनल पे, इसमें लोगों ने काफी सारा फायदा लिया, 35-35 हजार, 48-48 हजार सीपीके की रिपोर्ट्स भी लोगों ने कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अपने को स्लो ट्रीटमेंट अलाउ नहीं कर सकते इसमें, जब पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है ना, तो अपना मॉडर्न होम्योपैथी का रिसर्च भी इसमें कहीं ना कहीं काम कर रहा है और एग्रेसिव है, इसलिए लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो जिस तरीके से इसकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, इसका रिस्पांस अच्छा रहा है, ऐसे अभी काफी लोगों के आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे रिस्पांस खुलता जाएगा और ज्यादा इसका इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा, इसको स्लो नहीं करेंगे, बस जो भी करेंगे फास्ट करेंगे, ठीक है मन। बढ़िया बढ़िया, खाओ पियो, तुम तो चिंता ही मत करना, ठीक है। इसको तो ये भी नहीं मालूम कि बीमारी कौन सी है ना, अपने को इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अपन मेहनत करेंगे। डॉक्टर नहीं आ रहे तो बहुत अच्छा, आपके केस में एक ही चीज ध्यान रखना, डॉक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से तो इलाज नहीं होगा ना, कि इलाज नहीं है, इलाज नहीं भी होगा तो अभी अपन को इलाज करना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़िया, ये जो अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए हम बात कर रहे थे, मिस्टर अमन कुमार राजस्थान के हैं,
अभी इसमें जो भी प्रोसेस है अभी हमारी कंटिन्यू है, पर फिलहाल एक महीने के रिस्पॉन्स में हम इतना कह सकते हैं कि इस बच्चे ने अपना इम्प्रूवमेंट लाना चालू कर दिया है। जो बैठ के उठने में उसको दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक कवर हो गई है, बिना सपोर्ट के वो खड़ा हो पा रहा है और उतरने में ईजी हो गया है, चढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, उसके लिए ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है और CPK भी अभी हमने कराया है, उसका भी रिपोर्ट अभी हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स है उसको अंदर से ठीक करने के लिए प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि अमन को बहुत जल्दी और अपन रिस्पॉन्स लेके और जल्दी खड़ा होकर देख पाएंगे। ठीक है अमन, ध्यान रखना अपना, और कोई भी बात हो तो यहाँ पे बताते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, क्या क्या अंतर है अभी आपके हिसाब से? बैठ के उठो बेटा। हाँ, कैसे उठेगा बता? तो जैसे चलने फिरने में मूवमेंट में क्या अंतर आया आपके हिसाब से? पहले थोड़ा चलता था, ये थोड़ा स्लो स्लो मोशन चलता है, मतलब मोशन स्लो था। स्लो मोशन था, वैसे तो जैसे पांव में वीकनेस है, अभी स्पीड तो आ गई है, नहीं कर पा रहा, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, साइकिल चला लेता है, खड़ी रखे चला लेते, पहले नहीं चला पाता था ये, जब से चलाने लगे ट्रीटमेंट उसके बाद ठीक है, ठीक है, मतलब ये ठीक है, मतलब ठीक है ना, मतलब इम्प्रूवमेंट आते जा रहा है ना, क्योंकि इस बीमारी पर टेम्परेरी कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, और अपना रिपोर्ट के हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो 10,000 के आसपास था ना रिपोर्ट, अभी तो कम हो गया है ना, तो वो देखते हैं अभी जो भी फाइनल रिपोर्ट है 1400 वाला जो भी आप बता रहे हो उसको अपन वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, पर ठीक है, पहले से अभी पी लेगा ना दवाई, बच्चा है तो कुछ ना पड़ता है, दवाई ले लेगा, कंटिन्यू करके अभी अगली बार फिर देखूंगा। ठीक है, चल बाय। Thank you.
मतलब ये जो चल रहा है तो पहले और अभी में क्या मतलब आपके हिसाब से कहाँ कैसे चेंजेस आए? गिर जाता था हाँ, अभी गिर तो नहीं रहा है लेकिन है ना, मतलब कंट्रोल तो है पर फिर भी हाँ हाँ अभी थोड़ा पैर लेकिन ये फेंक रहा है ना, थोड़ा और ग्रास्पिंग बढ़ेगी ना तो ये कंट्रोल बढ़ेगा, तो ये अच्छे से धीरे धीरे भी अच्छे से ताकत के साथ फेंकेगा। अभी ये थोड़ा खींच के फेंक रहा है, खींच रहा है ना, थोड़ा खींच रहा है पर फिर ठीक है, ये अच्छा है फिर भी कि गिर नहीं रहा है। बैठ के उठ जाता है? बैठ के उठ जाएगा? सपोर्ट से उठेगा? सपोर्ट से उठेगा, जब बैठेगा तो उठ जाएगा? नहीं, सपोर्ट से उठ पाएगा? पकड़ के उठ जाएगा? अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करो।